अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अदील चौधरी और आज मैं जुनून रेस्टोरेंट के अंदर अपनी सिग्नेचर जो डिश है मुर्ग नौलखा, जो कि हॉट सेलिंग आइटम है, उसकी रेसिपी आपको बनाना सिखाऊंगा। मुर्ग नौलखा जो है ये 9 डिफरेंट स्पाइसेस से बनती है। ये रेसिपी हमारे रेस्टोरेंट के जो मेन शेफ़ हैं वो बनाना सिखाएंगे, उनके साथ खड़े होकर मैं आपके लिए ये रेसिपी बनवाऊँगा। और इसी तरह और जो हमारे मेन्यू की सिग्नेचर आइटम्स हैं, स्पेशलिटी आइटम्स हैं जो लोग आके खाने में इंजॉय करते हैं, ये ऑर्डर करते हैं, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। मुर्ग नौलखा जो है ये मुगलाई दौर की कुजीन है। ये ग्रेवी होती है, इसमें चिकन को ऐड करते हैं और 9 डिफरेंट स्पाइसेस ऐड किए जाते हैं। ये हमारे रेस्टोरेंट का आर्ट वर्क है जिसको बहुत लोग इंजॉय करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मसाले जो मुर्ग नौलखा के अंदर जाते हैं ये बहुत ही दिलचस्प व्यू क्रिएट करते हैं। बहुत कलरफुल और बहुत मज़ेदार किस्म की डिश इनके थ्रू बनती है। इसमें योगर्ट है, क्रीम भी है, इसमें अदरक भी है, डिफरेंट टाइप के मसाले हैं। आपको वीडियो में ये हम बनाना सिखाएंगे और जो हमारे शेफ़ हैं वो स्पेशली कतर से हम लोगों ने बुलाया हुआ जुनून रेस्टोरेंट के शेफ़ हैं और जुनून रेस्टोरेंट के साथ वो शुरू से ही मुंसलिक हैं और बहुत हार्डवर्क और मेहनती शेफ़ हैं वो, और लोग उनका खाना बहुत इंजॉय करते हैं। आज से ही मैंने रेसिपी की एक सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, अब मैं वक्तन फवक्तन आपको रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। हमने 2 चिकन ब्रेस्ट के फिले ले लेने हैं, जिसका वेट कोई अंदाजन 300 से 400 ग्राम बनता है। उसके हमने लंबे रुख में स्लाइसेस काट लेने हैं। इसके आपने चंक्स नहीं करने, इसके आपने लंबे रुख में स्लाइसेस काटने हैं। ये मुर्ग नौलखा की ख़ास बात यह कि इसकी कटिंग इसी स्टाइल में की जाती है। चिकन की पतली स्ट्रिप्स काट के आपने इसको पैन में डाल लेना है। हम इसको इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट पे बनाएंगे, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट के हॉल में इसको पका रहा हूँ, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट को यूज़ कर रहा हूँ। जो लोग घर में बनाना चाह रहे हैं या कोई और बनाना चाह रहे हैं वो अपने चूल्हे के ऊपर इसको मीडियम आँच के ऊपर पकाएंगे। इसके अंदर हमने 1.5 टेबल स्पून टोमेटो का पेस्ट डाला है। टोमेटो का पेस्ट डालने के बाद आपने इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का 1.5 टेबल स्पून पेस्ट डाल लेना है। ये पेस्ट डालने के बाद आपने इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डाल देना है, जिसको नमक भी कहते हैं, और नमक डालने के बाद आपने इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डालना है। फिर आपने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देनी है, जिसको टर्मरिक पाउडर भी बोलते हैं। ये टेबलस्पून नहीं है, टीस्पून है। और इसके बाद आपने 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल देना है इसके अंदर। ज़ीरा जो है वो कुछ लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप इसमें 1 टेबल स्पून भी ज़ीरा ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा ऐड करने के बाद आपने इसमें 1/2 कप पानी डाल देना है। ये सारा इनिशियल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आप मीडियम आंच के ऊपर जब इसको हॉट प्लेट में या चूल्हे पे रखेंगे तो उसके लिए ये इसके इनिशियल इंग्रेडिएंट इसमें डल चुके हैं। अब हम इसको चूल्हे पर रखेंगे हॉट प्लेट के ऊपर और हम इसको 15 मिनट्स के लिए मीडियम आँच पर पकाएँगे। ये देखें जैसे एक बड़ी खूबसूरत शक्ल तैयार होगी। अब इसमें आपने 1/2 टीस्पून कलौंजी डालनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कलौंजी से इसका टेस्ट जो है वो आप समझने के बहुत इन्हांस हो जाता है। कलौंजी बहुत सारे खानों का टेस्ट बेहतर कर दी है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है और ज़रूरी भी है, इसको आप ज़रूर ऐड किया करें। इसके अंदर आपने ब्लैक पेपर क्रश करके 1/2 टीस्पून ऐड कर देना है। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद आपने इसमें गरम मसाला 1/2 टीस्पून ऐड करना है। फिर आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देनी है 1/2 टीस्पून, और उसके बाद आपने इसके अंदर जिंजर ऐड करना है स्लाइस करके, और ग्रीन चिलीज़ को स्लाइस करके डाल देना है। वो आप अपनी हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं, ये डेकोरेशन के लिए ऐड होता है और इसके अंदर थोड़ा सा एंड में टेस्ट इन्हांस कर देता है इसका। ये देखें जी, मुर्ग नौलखा बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। इसकी मज़े की बात है कि इसमें ऑयल बहुत ही कम डलता है। इसके बिल्कुल एंड में हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, सूफी का हमने कुकिंग ऑयल लिया है।
इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून फ्रेश योगर्ट के ऐड करेंगे। फ्रेश दही इसके अंदर डलता है, दही जो है वो ग्रेवी का और सालन का टेस्ट को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। ये आप इसके अंदर डब्बे वाला भी दही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप इसके अंदर फ्रेश दही यूज़ करें। दही डालने के बाद आपने इसमें 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर देनी है। आप इसमें अंदर मिल्क पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फ्रेश क्रीम यूज़ करते हैं। फ्रेश क्रीम जो है वो इसकी ग्रेवी को थिक कर देती है और बहुत ही लजीज बना देती है। क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा आपने क्रीम के ऊपर पानी भी ऐड कर देना है ताकि वो क्रीम को इसके अंदर थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिला दे, क्योंकि क्रीम थिक होती है, वो इतनी आसानी से खुद से नहीं मिलती, तो पानी उसको ब्रेक कर देता है। ये शेफ़ जो है बिल्कुल एंड में थोड़ी सी कसूरी मेथी टॉपिंग के लिए और ऐड करेंगे। ये कसूरी मेथी आप अपने हसब जायका भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप नहीं भी ऐड कर सकते हैं। मुर्ग नौलखा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर टॉपिंग के तौर पे इसके अंदर धनिया ऐड करते हैं। धनिया जो है वो टॉपिंग के लिए और थोड़ा सा इसकी लुक को और इन्हांस कर देता है। आपका मुर्ग नौलखा तैयार है। मैंने अपने रोगनी तिल वाले नान ऑर्डर कर दिए हैं। अब मैं इसको आपके सामने खा के दिखाऊँगा और कैसा ये मज़े का बना है ये मैं आपको बताऊँगा। ये बहुत ही मज़े का बन गया है और ये रेसिपी हमारी सिग्नेचर रेसिपी है, जो कि इंडियन पार्ट, अगर आप मिडल ईस्ट में या इंडिया में जाएं तो इसको थोड़ा सा इंडियन तरीके से बनाया जाता है, जिसके अंदर थोड़े से येलो कलर ऐड किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा फेस्टिव बन जाता है और इसको होली और इस तरह के त्यौहार में खाया जाता है। तो मैं तो खा के बताता हूँ कैसी बनी है। चिकन जो है वो बहुत ही वो टेंडर हुआ है और मसालों के और स्पाइसेस के जो बस्ट आपके मुंह में आ रहा है वो बहुत ही मज़ेदार। स्पेशली इसकी मज़े की बात है कि गरम गरम नान के साथ खाएं तो वो चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बना हुआ है, बहुत आला है। ये काफ़ी गर्म है, ये इंतहाई लजीज बना हुआ है और इसकी ग्रेवी, अगर आप चिकन ना भी खाएं तो आप इसकी ग्रेवी खाली नान के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़े की बनती है। बहुत आ रहा है।